सबसे उपस्थित है। आने वाले 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का यह जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। वर्तमान मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पूर्व जो तात्कालिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जनता के सामने में आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, कितने बेरोजगार नौजवानों को किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में कब रोजगार दिया गया है और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश का नौजवान जानना चाहता है, प्रदेश का आम आवाम जानना चाहता है। मित्रों, इस गंभीर विषय को लेकर के 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, एक जंगी प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बेरोजगार नौजवानों से भी निवेदन करते हैं इस प्रदेश कि वे आए और इस आंदोलन में हमारा